So hey guys, this is Rishabh Jaiswal and you are watching TechnoVlogger. So here is the box of Lenovo V15. जिसे हम अनबॉक्स करते हुए बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में और ये किस किस और कॉम्बिनेशन में आता है, किस किस प्रोसेसर के साथ आता है। वैसे जो मेरे पास है ये है राइजन 5 वाला वेरियंट, इसे अनबॉक्स करेंगे और इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे एंड इसके कुछ कमाल के फीचर्स के बारे में। तो और बिना टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। हम इसे अनबॉक्स करते हुए इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लेनोवो का सील देखने को मिला जो ऑलरेडी ब्रेक है, जैसे मैंने बताया मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। सो अब हम इसे निकालते हैं तो आपको कुछ ऐसे पैकिंग में ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। ओके, तो जो काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग है। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आपको कुछ डैमेज देखने को तो मिलेगा नहीं ऐसे पैकिंग में। अब बाकी इसके अलावा आपको एक लेनोवो का ये चार्जर अडैप्टर देखने को मिलता है इसे चार्ज करने के लिए। इसमें आपको लेनोवो की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। उसके साथ में हम इसे सब कुछ अभी रिमूव कर देते हैं और कुछ तो इसमें है नहीं, सो उसे साइड कर देते हैं एंड उसके बाद हमें इसे का प्रोटेक्शन को रिमूव करते हैं। एंड यहाँ पे आपको लेनोवो के तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है अलग अलग विंडोज 10 का ऊपर और विंडोज 10 और बाकी सब चीज़ों का, इसके कॉम्पोनेंट्स का इसमें सब डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। इसे भी साइड कर देते हैं, इसके कवर को भी रिमूव कर देते। तो या दिस इज़ द लैपटॉप, थोड़ा सा मेटालिक फिनिश में है एंड ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ में पीछे में अगर हम देखें तो इसमें विंडोज 10 का मेंशन देखने को मिल रहा है क्योंकि विंडोज 10 इसके साथ आता है और एक इसका डॉस वेरियंट होता है जिसमें आपको विंडोज 10 नहीं मिलेगा, उसका प्राइसिंग इससे थोड़ा कम आता है। इसमें बाकी आपको यहाँ एक लेनोवो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और बाकी अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आपको इसमें एक SD पोर्ट और यहाँ पे 3.5 mm जैक, यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए पॉइंट, एक HDMI पोर्ट और 3 USB पॉइंट मिलता है जहाँ पे एक USB 2.0 है बाकी 3.0 है फास्ट ट्रांसफ़र के लिए। सो लैपटॉप का ओवरऑल हम बात करें तो काफ़ी स्टेडी बिल्ड क्वालिटी है एंड यहाँ पे आपको पीछे वेंट्स दिखते हैं फॉर एयर वेंटिलेशन के लिए एंड इसका यहाँ पे भी आपको एक वेंटिलेशन देखने को मिलता है। तो अब हम लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं एंड इसकी खास बात ये 180 डिग्री रोटेट है, सो आपका हिंज का जो लाइफ टाइम है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हिंज आपका प्रॉपरली आप गलती से अगर ज़्यादा मुड़ जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो बाकी अगर हम लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करें तो अच्छा सा कीबोर्ड है, यहाँ पे आपको ट्रैक पैड देखने को मिल जाएगा एंड एक 720 वाला HD कैमरा देखने को मिल जाता है जो एक डिसेंट सा है, एवरेज लुक देता है। एंड तो अब इसे हम चालू करते हुए इसके बारे में और बात करते हैं। इससे पहले हम बूट कर लेते हैं, तो बूट के लिए यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिल रहा है जो कीबोर्ड में ही है। देखिए कितना टाइम लेता है बूट होने में। तो ये लाइट सब हो गया, यहाँ आपको लेनोवो देखने को मिल रहा है एंड मैंने ऑलरेडी सब सेटअप कर चुका है। सो हियर इट इज़ द स्क्रीन, जो काफ़ी अच्छा ब्राइट डिस्प्ले, यहाँ दोनों तरफ अपोजिट साइड में बड़े बड़े लाइट लगे हैं उसके बाद भी इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में भी एक डिसेंट सा नॉइज़ है, बाकी बहुत अच्छा टाइपिंग आपको ये मिलेगा इसमें। एंड यहाँ आपको ट्रैक पैड और हम बात करें तो यहाँ पर आपको राइजन 5 का मेंशन मिलता है, यहाँ AMD रेडियन ग्राफिक्स जो आपका वेगा 8 है वो भी इसमें आपको मिलता है। तो ये इसमें इसके साथ ये 1 TB हार्ड डिस्क आता है इसमें एंड 8 GB ऑफ रैम आता है। एंड जो मैं वेंट्स की बात कर रहा था तो इसे मैं पहले 180 में ओपन कर लेता हूँ एंड उसके बाद आप यहाँ पे वेंट देख सकते हो। सो और हम अगर बटन्स के बारे में बात करें तो मुझे इसका एक फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगा जो इसमें, क्योंकि जैसे कि इसमें एक फ़िज़िकल शटर नहीं है कि आप कैमरा को बंद कर सको, इसीलिए यहाँ पे आपको एक अलग से कैमरा का ये बटन देखने को मिलता है जिसे आप प्रेस करने से ये कैमरा को डिसेबल कर देता है एंड किसी भी ऐप में आपका कैमरा काम नहीं करेगा। तो ये प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। बाकी यहाँ लॉक एंड अलग अलग ये ट्रैक पैड को लॉक करने का और काफ़ी फीचर आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिलता है। तो और अब हम इसके बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बता दिया इसका फीचर के बारे में, इसमें आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, उसमें आपको राइजन 5 का 3500U सीरीज़ का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 8 GB ऑफ रैम, 1 TB हार्ड डिस्क और
एंड आपका जो इसमें रेडियन वेगा 8 का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद बाकी लेनोवो वी 15 में काफ़ी अच्छा लेनोवो ने पैकेज दिया है। एंड अगर इसमें एक SSD का आपको स्लॉट भी देखने मिलेगा, एंड मेरे वाले में एक अलग से 256 GB का SSD इंक्लूडेड है जो अलग से लगाया है। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी मैं अगर अपने वाले इस वेरिएंट का Ryzen 5 के साथ में इसका एग्जैक्ट प्राइस बताऊँ विथ SSD लेके, तो आपका इसका 46,000 अराउंड प्राइस जो मैंने लिया 46,000 में, आपको इसका अलग अलग वेरियंट देखने को मिलेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। आपको इंटेल के i3 के साथ, आपको AMD का Ryzen 3 के साथ, एंड इंटेल i5 एंड Ryzen 5 का ये वाला वेरिएंट के साथ, आपको ऐसे 3-4 वेरिएंट 1 TB हार्ड डिस्क के साथ, 512 SSD के साथ, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस मार्केट में देखने को मिलेंगे। सो बस मेरा एक ओपिनियन है कि मैं कोई भी लैपटॉप को इसको बेस्ट नहीं बता रहा हूँ इस प्राइस में। आपको ऐसे इस फीचर्स में आपको बहुत लैपटॉप देखने को मिलेंगे, अलग अलग ब्रांड्स के देखने को मिलेंगे। इट जस्ट डिपेंड कि आपका काम क्या है, आपको किस टाइप का प्रोसेसर का ज़रूरत है और आपका बजट रेंज क्या है। अगर आप i3 और Ryzen 3 में जाते हो तो आपका अराउंड 30,000 में मिल जाएगा, बट अगर आप i5 और Ryzen 5 जाते हो तो आपका 40,000 से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग है। अब उसके आप SSD इंक्लूड करोगे और अलग चीज़ इंक्लूड करने के साथ साथ, और आप विंडोज़ वाला वेरिएंट लोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। DOS वेरिएंट का अराउंड 1,000-2,000 रुपीज़ प्राइस कम है। तो ये विंडोज़ वेरिएंट है विथ विंडोज़ इंक्लूडेड एंड SSD इंक्लूडेड, इसका प्राइस 46 है। तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। आप ऑनलाइन मार्केट में देखोगे या लेनोवो का वेबसाइट में देखोगे तो आपको एक अलग प्राइस दिखाएगा। एंड अगर आप एक ऑफलाइन एक लोकल स्टोर से, मतलब जाके कोई कंप्यूटर स्टोर से अपना लोकल एरिया से लेते हो, तो आपको वहाँ पे एक अलग प्राइस देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो चेक किया उसके हिसाब से, आप ऑफलाइन मार्केट से जाके लेते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको लेनोवो का तरफ से ही एक फ्री बैकपैक देखने को मिलेगा, जो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो इसका अलग से आपको खरीदने का ऑप्शन आता है, ये लैपटॉप के साथ आपको फ्री नहीं मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू बैग का MRP को 750, ऑब्वियसली 750 का बैग है नहीं, बट तो भी जो इसके साथ फ्री मिल रहा है वो आपको ऑनलाइन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। तो यही कुछ इसके फीचर्स है। बाकी लैपटॉप का बाइंग गाइड के ऊपर मेरा एक अलग से फुल डिटेल वीडियो आ जाएगा कि आपको AMD का प्रोसेसर लेना चाहिए, इंटेल का। बाकी अगर मैं इस लैपटॉप को बोलूँ तो ये एकदम बहुत अच्छा लैपटॉप है, और भी Ryzen 5 एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। उसके साथ आजकल क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में भी Ryzen 5 का प्रोसेसर लोग दे रहे हैं, अगर आपका बजट रेंज है तो गेमिंग में, गेमिंग के लिए भी ये एक अच्छा ही लैपटॉप है। बाकी ये हैवी वर्क, मल्टीटास्किंग, इनफैक्ट अभी वर्क फ्रॉम होम के टाइम में भी बहुत जन को एक लैपटॉप चाहिए, तो यार ये एक परफेक्ट लैपटॉप है। बट मैं आपका बजट के हिसाब से आपको एक बार ऑफलाइन मार्केट में एंड ऑनलाइन मार्केट में दोनों जगह देख लेना चाहिए। एंड अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो जिस बायर से मंगा रहे हो उस बायर के पास का आप उसका डिटेल देख लीजिए, रिव्यू देख लीजिए, कस्टमर रिव्यू, क्योंकि अगर आप कहीं ऑर्डर कर लिए उसके बाद अगर आपको लैपटॉप डैमेज मिलता है तो उसमें मे बी आपको रिटर्न का ऑप्शन ना मिले एंड कंपनी भी रिफ्यूज़ कर दे इसे बनाने के लिए। तो ये सब आप एक बार चेक कर लीजिए अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो। ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे वो सब ऐप को एक्टिवेट करके, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं मिलता इंक्लूडेड तो वो अलग से ऐड करके सब कुछ डाल के देंगे। तो बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी ऑलमोस्ट कंपनी क्लेम करती है अराउंड 5-6 आवर्स चलता है, बट अगर आप इसका बैटरी सेविंग मोड में यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उतना चल जाएगा। बट अगर आप इसमें एक एक्सट्रीम मोड है जिसमें ये प्रोसेसर को एकदम एट टॉप लेवल बेस्ट में रन करता है तो उसमें आपका थोड़ा बैटरी बैकअप कम हो जाता है। इसमें एक इंटेलिजेंट कूलिंग मोड भी है जिसमें आपका लैपटॉप उतना हीट नहीं होगा तो उसमें भी बैटरी थोड़ा ज़्यादा लगता है ना, उस टाइम में आपका लैपटॉप 3-4 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देता है। तो बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट लैपटॉप के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से एकदम एवरेज ही है, कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है। एंड बाकी लैपटॉप चार्जिंग की बात करो तो आपको 1.5 से 1.5 घंटा करीब लग जाता है फुल चार्ज होने में से। सो यही सब कुछ इसके बैटरी का हो गया। एंड बाकी डिस्प्ले इज़ जस्ट फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कीबोर्ड्स भी काफ़ी अच्छे, टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, कोई इशू नहीं आता। ट्रैक पैड में भी आप सारे विंडोज़ के जो गेस्चर्स होते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी भी एवरेज ही है, वीडियो कॉल्स के लिए इनफ है। एंड हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको जो SSD मेरा अलग से इंक्लूडेड है वो NVMe वाला SSD है, SATA वाला नहीं है। SATA वाला NVMe से थोड़ा स्लो होता है, उसका प्राइस भी कम होता है। एंड इसमें हाँ, दो जो डिसएडवांटेज आपको इसमें मिलते हैं कि इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली एक प्राइस सेगमेंट भी आ जाता है कि प्राइस सेगमेंट में, इस प्राइस सेगमेंट में ये सब फीचर्स के बाद आपको बैकलाइट कीबोर्ड देना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। एंड बाकी अगर हम बात करें, इसमें आपको CD ड्राइव भी नहीं मिलता है, तो ये कुछ है। तो CD ड्राइव भी ऑब्वियसली आजकल के जो भी नोटबुक सीरीज़ के लैपटॉप है उससे रिमूव कर दिया गया है इसके थिकनेस को देखते हुए।
सो उसके ऊपर एक लैपटॉप के ऊपर एक अलग मेरा सीरीज आ जाएगा, अलग अलग प्रोसेसर के बारे में वीडियोज आ जाएंगे। तो वो सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया, तो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए, बताइए कि और मैं किस टॉपिक में वीडियो लाऊं। और लैपटॉप का तो ऑब्वियसली बहुत सारा वीडियो आने वाले हैं, फ़ोन का भी बहुत वीडियो आने वाले हैं, तो अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।